हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अपने उदयपुर ट्रिप का डे टू और डे थ्री दिखाएंगे, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए और कैसे कैसे पिक्चर्स क्लिक करी, वहाँ पे कितने अच्छे स्पॉट्स हैं। और इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जो कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा कि आप अपनी जो ट्रिप है उसको कैसे बजट में प्लान कर सकते हैं और किस कैसे कैसे आप होटल्स में जा सकते हो, क्या खा सकते हो। और अभी के लिए हम लोग ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एंजॉयमेंट। हे फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने दूसरे होटल आ चुके हैं, विच इज़ होटल स्वरूप विलास। और हम यहाँ पे चेंज करा है, अब मैं जा रही हूँ उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए और मार्केट एक्सप्लोर करूँगी एंड विल ऑल्सो शो यू कि वहाँ पे कैसा स्टफ है, क्या स्टफ है। सो चलते हैं वहीं पे। तो बाहर चलने से पहले एक बार आप मेरा रूम टूर ले लीजिए। ये रूम हमें 7000 प्लस टैक्सेस पे पड़ा था। होटल बहुत अच्छा है, रूम मुझे एवरेज लगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ। इससे बेटर मिल सकता था, बट यहाँ पे स्विमिंग पूल बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं। एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे मस्ट विजिट है, वो दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक खुला रहता है। सो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस। होटल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस पर चेक कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस एंड दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल पैलेस। यहाँ से उदयपुर पूरा दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। आई विल ऑल्सो शो यू और भी इमेजेस इसके एंड दिस इज़ लाइक ब्यूटीफुल। हम लोग होटल से निकले थे तो हम सीधा सोचा कि पहले यहीं आ जाए बिकॉज दिस इज़ सो फार अवे फ्रॉम आर होटल। सो पहले हम लोग यहीं पर ही आ गए, अब हम यहीं पर खाना पीना खा के फिर निकलेंगे मार्केट की तरफ। ये पैलेस भी मेवाड़ डायनेस्टी के किंग्स ने ही बनाया है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सज्जनगढ़ मानसून पैलेस रखा गया। यहाँ से फतेह सागर लेक, माउंटेन्स और सारे के सारे पैलेसेस दिखाई देते हैं। आई थिंक यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। मुझे पर्सनली ये पैलेस सबसे अच्छा लगा बिकॉज यहाँ से जो व्यूज आते हैं और जो ये खुद के पैलेस की खूबसूरती है वो मैं बता भी नहीं सकती आपको वर्ड्स में। जो आप वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप ज़्यादा बेटर फील कर पाएंगे उस चीज़ को। सो हे गाइज, अभी हम लोग आ गए गनगौर घाट और आई विल शो यू अराउंड इन अ बिट। और ऑल्सो इसके बाद हम लोग बागौर केवली जा रहे हैं, विच इज़ लाइक बिल्कुल जस्ट बगल में है। सो वी विल ऑल्सो शो यू अराउंड, बट दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। सी दिस लेक एंड ऑल ऑफ दीज होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स विच आर हेयर ओनली एंड दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। मुझे इस लेक साइड का बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा? जो यहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट साइड में बने हुए ना, आई जस्ट लव दैट व्यू। मतलब यहाँ पे आप अपने लव्ड वन के साथ आएंगे, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, मैंने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे और एक बहुत ही प्यारा सनसेट यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद हम चलते हैं बागौर की हवेली, जो कि बिल्कुल लेक साइड के बिल्कुल जस्ट बगल में लगी हुई है। ये रही बागौर की हवेली, जहाँ पे हमारा वेलकम इस बंदर ने कूद के किया। तो इस पैलेस में भी आपको काफ़ी कुछ अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल जाएगा। यहाँ पे कौन कौन सा राजा आया और किसने किसने रूल किया, उस सब के स्टैचूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तैयार हो गए, अलग मशीन तैयार कर नहाने ये का चिल्ला रही। यहाँ पे आके आप शांति से अपनी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस के, जस्ट जैसे कि सिटी पैलेस में हमारे साथ हो रहा था। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाया, बट यहाँ पे भीड़ नहीं थी तो मुझे ये पैलेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ का जो आंगन था, मतलब बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। मैंने वहाँ पे कुछ अच्छे पोजेस दिए हैं और कुछ सर्कल ले लेके मैंने वीडियोज़ डाले हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको।
हाय गाइस, अब हम लोग आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी में और दिस इज अ गार्डन टाइप ऑफ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सुंदर प्लांट एंड लुक एट मी आई गेस ये तो असली ही है, मतलब शायद असली है। तो ये गार्डन यहाँ के किंग्स ने अपनी क्वींस के लिए बनाया था, उनको पैम्पर करने के लिए, ताकि वो अपने लिए कुछ खुद के लिए भी टाइम निकाल के यहाँ पे आके एंजॉय कर सके अपनी फ्रेंड्स के साथ। इस प्लेस में एक अलग ही फेमिनिन वाइब है, आपको यहाँ आके बहुत ही मजा आने वाला है। इतनी लश ग्रीनरी के साथ पिक्चर्स तो अमेजिंग आने वाले। इसके बाद हमारा शाम के लिए ऑलरेडी एक प्री बुक्ड कल्चरल इवेंट था बागौर की हवेली में, फिर हम वहां चले गए। कल्चरल प्रोग्राम तो कल्चरल प्रोग्राम ही होता है, वो वहाँ की आपको शहर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताता है। तो मुझे तो यहाँ के डांसेस और जो यहाँ पे जो हमारा पपेट शो हुआ मुझे बहुत ही पसंद आया। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट डे मैंने काफी सारी शॉपिंग करी थी बट मैं उसको शूट नहीं कर पाई बिकॉज उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बट मैंने शॉपिंग करी है, बट मैं आपको वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है यहाँ से। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होगा कि आप अपनी आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन से होटल्स में जा सकते हैं। सो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।